ही चढ़ाया। ये जो आप लोग प्रदोष की कल शिवरात्रि की कल पूजन करोगे, इसमें जो जो सामग्री आपको वर्णन करी गई है, सामग्री का स्मरण तो आपको होगा कि जो जो सामग्री आपको बताई गई है, एक लोटा जल, गेहूं के 21 दाने, कमलगट्टे 5, चावल साबुत दाने 108, आखा चावल जो होता है, काली मिर्ची 21, काली तिल 1 चुटकी, धतूरा 1, बेलपत्र 7, शमी पत्र 7, गुलाब के फूल 7, सुपारी गोल 3 नग, 2 गौरा गणेश बनाने के लिए, 1 संकल्प के लिए, जनेऊ 2, देशी घी के दीपक 1 आरती के लिए और 1 अखंड जलाने के लिए, फल 2, मिठाई प्रसाद, इत्र पीला चंदन, मौली कलेवा नाड़ा, कपूर लौंग, चावल पंचामृत, दूध दही घी शहद शक्कर, गंगा जल, मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण, और जो भी दिल से बाबा को आप समर्पित कर रहे हैं, भाव से आनंद से शिव आराधना का भाव। शमी पत्र प्रयास करना कि घर में जितने सदस्य हैं प्रत्येक सदस्य का शमी पत्र पर स्पर्श हो, या एक एक शमी पत्र घर का एक एक व्यक्ति अवश्य चढ़ाए, उससे जीवन में कहीं मार्ग अवरुद्ध हो रहा है, रुक रहा है, व्यापार रुक रहा है, या लक्ष्मी आने से रुक रही है, तो शमी पत्र शिवजी पर शिवरात्रि के दिन कल समर्पित जब अपन करेंगे तो उससे मार्ग खुल जाता है, जैसे बच्चों की पढ़ाई का हो या व्यापार का हो या व्यवसाय का हो, तो शमी पत्र का प्रयास जरूर करिएगा कि सब एक एक अलग अलग मेहमान भी अगर आए हैं तो वो भी अपना शमी पत्र चढ़ाए तो अच्छे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, आप सभी को सामने शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं, महादेव सबकी कामना पूरी करे। इसी के साथ साथियों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। पंडित प्रदीप मिश्रा जी जितने उपाय अपनी कथा में बताते हैं सारे आपको अपनी इस चैनल के माध्यम से जरूर मिलते रहते हैं। श्रावणी शिवरात्रि पे संपूर्ण पूजन विधि सामग्री आपको बता दी गई है। पंचामृत कैसे बनाना है आप देख लीजिए। सबसे पहले एक पात्र में दूध हम लेंगे, उसके बाद उसी पात्र में हम डालेंगे दही, फिर डालेंगे उसके अंदर शहद, फिर डालेंगे शक्कर, फिर डालेंगे घी, यानी कि पाँचों चीज़ों को एक ही पात्र में अच्छे से मिला लेंगे तो वह पंचामृत बनकर के तैयार हो जाता है। इससे भी अभिषेक जरूर करना चाहिए। आपको जो सामग्री ज़्यादा लेनी है आप जरूर नोट कर लीजिए। आपको अक्षत यानी कि चावल ज़्यादा लेने हैं, क्योंकि श्रावणी शिवरात्रि पर जब गुरुदेव पूजन कराएंगे तो गोरा गणेश जी की भी कराएंगे, अपने पितरों की भी कराएंगे, तो उन सब में भी चावल जरूर हमको अर्पण करना होगा। फूल भी आप थोड़ा ज़्यादा लेकर के बैठिए और जल का पात्र यानी कि पानी भी थोड़ा ज़्यादा लेकर के बैठिए, जिससे क्या होगा आपका पूजन अच्छे से संपन्न होगा, बार बार आपको उठना नहीं पड़ेगा। आप अच्छे से सामग्री पूरी देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। शिवलिंग भी आप मिट्टी का बना करके तैयार रखिएगा। श्रावणी शिवरात्रि 2 अगस्त की है, शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच में गुरुदेव पूजन कराएंगे, यानी कि 1 घंटे का पूजन रहेगा 7 से 8। आस्था चैनल पर ऑनलाइन पूजन अभिषेक कराया जाएगा, तो आप संपूर्ण सामग्री अपनी नोट कर लें। अगर कोई सामग्री आपके पास नहीं है तो उसकी जगह आप अक्षत यानी कि पूर्ण चावल के दाने आप चढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा होगा। अगर आपके कोई प्रश्न रहते हैं कॉमेंट करना, उत्तर देने की जरूर कोशिश करेंगे। चैनल पर पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना है, संपूर्ण विधि जैसा गुरुदेव ने बताया है वैसा ही बना करके बताया गया है, आप जरूर देखना जिससे कोई गलती नहीं हो पाए। तो बस उम्मीद करती हूँ साथियों सबका पूजन अभिषेक अच्छे से संपन्न हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को जरूर शेयर करना। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।